हेलो अरमान, सो आई एम कुशाग्र, आई स्टे इन A1 1802। मैं अभी वहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, तो मैं कुछ मिमिक्री करके बताने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ अलग टाइप का है। इसमें आपको पॉलिटिशियंस की मिमिक्री और कुछ फेमस पर्सनालिटीज की मिमिक्री करेंगे। ओके, सो आई विल स्टार्ट। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली हमारे यहाँ पे Chandrayaan-3 ने लैंड किया, राइट? और आप इमेजिन करो कि उसकी अगली न्यूज ये है कि चंद्रयान पे चांद, तो चांद पे तो वो पहुंच गया, लेकिन चांद पे पानी मिला है। अब वो पानी मिलने के बाद सारी कुछ ये फेमस पर्सनालिटीज हैं वो टस्कन में आए हैं, और आप इमेजिन करो कि वो लोग ये इस पर रिएक्शन दे रहे हैं कि जो चांद पे पानी मिला है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले आते हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी, भाई और बहनों, यहां पधारे हुए सभी महानुभावों को मैं सादर नमन करता हूं। जिस तरह से चांद पर पानी मिला है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या मंगल पर भी पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? शुक्र पर भी पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जुपिटर पर पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसीलिए 2024 के चुनाव में भाजपा को विजयी बने। धन्यवाद। मोदी जी के 10 बाद राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी, आप क्या कहना चाहेंगे चांद पे पानी मिला है? पानी, ये पानी क्या होता है? आज मैं आपको बताता हूं कि ये पानी क्या होता है। पानी दरअसल पानी होता है, वाटर, वाटर। ये जो चांद पे पानी मिला है, ये गरीब का पानी है, कमजोर का पानी है। और ये जो सूट-बूट की सरकार है, ये इस पानी के पे अपना हक जताना चाहती है, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। और उसके अलावा मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं मेरी स्टाइल में। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, और मैं देखता हूं कि माताएं बहनें बैठी हैं, सब लोग यहां एकत्रित हुए हैं, तो कुछ अच्छा हो रहा होगा। मेरी तरफ से बधाई आप सबको, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। राहुल गांधी जी के बाद आते हैं हमारे लालू प्रसाद यादव। ये चांद पर पानी, चांद पर पानी, चांद पर पानी कतह बत, अरे वो बिहार का पानी है, वो हमारे गया से जाता है, और गया का पानी चांद पर ले जाके दिखा रहे हैं, बत मुर्गा। उसके 10 बाद आते हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता क्या चाहती है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन टस्कन की जनता क्या चाहती है ये हमें पता है। ये जो चांद पे पानी मिला ना जी, ये मोदी सरकार ने घोटाला किया, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने तो कितनी बार कहा है मंदिर यहां बना दो, लेकिन वो बोलते हैं मंदिर वही बनेगा, यहां तो बनता नहीं है जी। अरविंद केजरीवाल। उसके बाद आते हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार, क्या टस्कन की जनता का होगा बंटाढा? नमस्कार, मैं हूं राजा रवीश कुमार। चांद पर पानी मिलने के बाद मुझे कुछ स्टॉक ब्रोकरों के फोन आए हैं, रियल एस्टेट ब्रोकरों के। एक ब्रोकर ने तो मुझे ये भी कहा कि उसके पास एक 3 BHK अवेलेबल है चांद पर। जब मैंने उससे विरोध किया तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, मैं आपको अर्थ फेसिंग कॉर्नर फ्लैट भी दिला सकता हूँ। खैर, इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरा विश्वास तो उससे हट गया, और मैंने उसे कहा कि प्राइस क्या है। उसने मुझे प्राइस बताया 3 करोड़। 3 करोड़ में तो टस्कन में मिल जाते हैं। तो उसने कहा कि फिर वहीं जाकर खरीद लो। खैर, मेरी बेइज्जती के बाद मैं वापस आ चुका हूं। टस्कन की जनता का होगा बंटाढा। नमस्कार, मैं हूं राजा रवीश कुमार। उसके जाते हैं अक्षय कुमार। देखिए, मैं आप सबको बता दूं कि चंद्रयान पर जो लैंडिंग हुई थी उसके साथ मैंने सैफ अली खान को भेजा। अक्षय जी, क्या बोल रहे हैं? सैफ अली खान कैसे वहां जा सकते हैं? मैंने न्यूज में सुना था चंद्रयान हैड अ सेफ लैंडिंग। थैंक यू सो मच। तो मैं अभी विदा लेता हूं। एक